विधायक प्रदीप जाधव ने उम्मीद जताई है कि राज्यसभा की दोनों सीटें महागठबंधन के पक्ष में जाएंगी। बीजेपी के लिए यह राह आसान नहीं है। वहीं इरफान अंसारी द्वारा आरपीएन पे लगाए गए आरोप पे उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व में जो निर्णय लिया वो सोच समझ कर लिया और उस निर्णय के साथ हम लोग हैं और हम लोग सदैव ही रहेंगे। देखिए, अगर दो उम्मीदवार होते तब तो चुनाव होने की संभावना नहीं थी। तीन उम्मीदवार में तो चुनाव अवश्य संभावी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सबके अपने अपने गणित हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के पास भी उनकी गणित ठीक नहीं है। तो अब देखिए, हमें लगता है कि चुनाव नज़दीक आने के बाद थोड़े निर्दलियों पर निर्भरता अधिक बढ़ेगी। जो निर्दलीय जीत के आए हैं वो किस करवट किस तरफ अपना निर्णय देते हैं, हमें लगता है रिजल्ट उस तरफ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से हाउस का कह सकते हैं बनावट है आज की तारीख में, दोनों सीटें महागठबंधन को जाना चाहिए। लेकिन आजसू अब बीजेपी के समर्थन में आ चुकी है, तो क्या लग रहा है अब आसानी से बीजेपी की जीत हो जाएगी? आसानी से तो नहीं कह सकते हैं, पहले जितनी कठिनाइयां थी उससे कम कठिनाइयां सामने दिख रही है आप कह सकते हैं। कांग्रेस के ही विधायक हैं इरफान अंसारी, उन्होंने आरपीएन सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने धोखा दिया है। देखिए, अब कांग्रेस के विधायक क्या कहते नहीं कहते, शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया हमें लगता है कि सोच समझ के निर्णय लिया है, और जो महागठबंधन के नेताओं ने निर्णय लिया उस निर्णय के साथ हम हैं।